हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम पंडित नारायण राव व्यास जी के जीवन के बारे में जानने जा रहे हैं, यानी कि बायोग्राफी ऑफ पंडित नारायण राव व्यास जी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पंडित नारायण राव व्यास जी का जन्म कोल्हापुर में 4 अप्रैल सन 1902 को हुआ था। इनके वंशधर पौराणिक शास्त्री थे। इनके पिता संगीत शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। इनके पिता को संगीत की जो है बहुत अच्छी नॉलेज थी और सितार के विशेष प्रेमी थे। होनहार वीरवान के हो चिकने पात, कहावत आप पर पूर्णतः चरितार्थ हुई। जब ये 8 के थे तो इनकी इच्छा जो है गायन सीखने की हुई। संगीत के प्रति रुचि, मधुर एवं दोष रहित आवाज़ इत्यादि गुण भाग्यशाली व्यक्ति में ही पाए जाते हैं। पंडित नारायण राव व्यास जी नियमित रूप से रियाज जो है करने लगे और पद और गीत इतनी सुंदरता से गाते कि श्रोता हैरान रह जाते और कहते हैं कि यह बालक एक दिन जो है बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। इनकी प्रतिभा देखकर एक नाटक कंपनी ने इनको नौकरी देनी चाही, परंतु इन्होंने इस नौकरी को जो है स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन दिनों उच्च घराने के युवकों के लिए नाटक कंपनी में काम करना एक अपमानजनक समझा जाता था। इन्होंने संगीत शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया तो इनके अभिभावक जो थे वो आनाकानी करते रहे, यानी कि मना करते रहे। उस समय कोल्हापुर में केवल मुसलमान ही जो है इस कला की शिक्षा दिया करते थे। सन 1910 में विष्णु दिगंबर जी कोल्हापुर आ गए। वहाँ इन्होंने अपनी कला का जो है प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में नारायण राव जी भी जो है सम्मिलित हुए। पंडित जी के साथ कुछ अल्पावस्था के शिष्य भी थे, यानी कम आयु के शिष्य भी थे, जो नियम पूर्वक जो है गाया करते थे। उनका शिष्यों के प्रति अपार प्रेम और शिक्षा देने का सरल ढंग देखकर व्यास जी के संरक्षण ने दोनों बालकों को पंडित नारायण राव व्यास जी और इनके जो बड़े भाई थे शंकर राव व्यास जी को उनके पास भेजने का निश्चय किया। यानी कि नारायण राव व्यास जी और जो शंकर राव व्यास जी थे, इन दोनों ने जो संगीत की शिक्षा है वो विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी से प्राप्त की। सन 1910 से 13 में क्रमशः शंकर राव व्यास और नारायण राव व्यास गांधर्व महाविद्यालय में प्रविष्ट करा दिए गए, यानी कि प्रवेश इन्होंने जो है ले लिया था। 9 तक दिगंबर जी ने दोनों भाइयों को जो है शिक्षा दी। सन 1921 में दोनों भाइयों ने सफलतापूर्वक अध्ययन समाप्त कर संगीत प्रवीण की उपाधि प्राप्त की तथा जॉर्ज लॉयड साहब के कर कर्मों द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सन 1923 में दोनों भाइयों ने अहमदाबाद में संगीत विद्यालय खोला ताकि भारतीय नवयुवक संगीत कला का ज्ञान जो है प्राप्त कर सकें। इस विद्यालय में नारायण राव व्यास जी ने लगभग 4 तक जो है कार्य किया। यह समझकर कि बंबई व्यापारिक केंद्र है और यहाँ संगीत कला का प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया जा सकता है, पंडित नारायण राव व्यास सन 1947 में बंबई आ गए और सन 1927 में हिज मास्टर्स वॉइस कंपनी ने इनके गायन के डिस्क जो है रिकॉर्ड बनाए, जो बहुत लोकप्रिय हुए। इनको विविध संस्थाओं और विश्वविद्यालयों द्वारा अनेक प्रशस्ति पत्र, यानी कि प्रशंसा पत्र और उपाधियों से जो है विभूषित किया गया। सन 1921 में इनको गंधर्व महाविद्यालय से संगीत प्रवीण व गायनाचार्य, सिंध प्रांत से संगीत रतन, पंजाब से तान के कप्तान व भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल से संगीत महाउपाध्याय व डिलेट इन म्यूजिक की उपाधियाँ जो है मिली। पंडित विष्णु दिगंबर जी के विशेष शिष्यों में ये रहे हैं और अंत समय तक उनकी सेवा करते रहे। इन्होंने संगीत विषय पर कई पुस्तकें भी लिखी। इनके बड़े भाई शंकर राव व्यास जी भी जो थे एक उच्च कोटि के संगीतकार थे। इन दोनों भाइयों ने मिलकर सन 1937 में बंबई में व्यास संगीत विद्यालय की स्थापना की। 1 अप्रैल सन 1984 को बंबई में पंडित नारायण राव व्यास जी का जो है निधन हो गया। वर्तमान काल में इनके जो पुत्र हैं डॉक्टर विद्याधर व्यास जी संगीत के शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं और ग्वालियर घराने के अग्रणी गायकों में गिने जाते हैं। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।